हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ टू अपलोड एन इमेज। मैं हूं संजय। इस एडिशनल लेक्चर में गाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि हम जो एपीआई डेटा जो अपलोड कर रहे थे, अगर उस डेटा के साथ अगर कोई इमेज अपलोड करें तो हम किस तरीके से उसे एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अभी तक जो APIs हमने कंप्लीट कर ली है, अगर मैं जाऊँ अपने स्लाइड पे, यहाँ पर जो APIs अभी तक हमने क्रिएट किया है अपने इस ब्लॉक मैनेजमेंट API सिस्टम में, वहाँ पर हमने दो मॉड्यूल्स कवर किए थे कॉल्ड कैटेगरी मॉड्यूल एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट था हमारा वो थी हमारी ब्लॉक मॉड्यूल। कैटेगरी मॉडल में जो APIs हमने क्रिएट किए वो थे क्रिएट कैटेगरी API, लिस्ट कैटेगरी API एंड डिलीट कैटेगरी API। इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में जो हम यूज करने वाले API एंड दैट इज Adblock API। अगर मैं जाऊँ टेबल में, टेबल स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करूँ ब्लॉक्स टेबल, इस टेबल में हम एक कॉलम ऐड करने वाले हैं दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। उस वाले कॉलम में हम इमेज की वैल्यू को सेव करेंगे। सबसे पहले API डेटा के साथ जहां इमेज को अपलोड करेंगे उस इमेज को अपने इस एप्लीकेशन में सबसे पहले उसे सेव करेंगे, उसके पाथ को गेट करेंगे और उस इमेज पाथ को देन हम अपने बैनर अंडरस्कोर इमेज कॉलम में सेव करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो टेबल स्ट्रक्चर है कॉल ब्लॉक्स, इसको जब हमने क्रिएट किया था तो उस वक्त जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था दैट इज माइग्रेशंस। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप देखें ताकि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से आप समझ पाओ, क्योंकि अभी तक हमने इस कोर्स में, इस API डेवलपमेंट कोर्स में जहां हम यूज करें बेसिक ऑथेंटिकेशन, हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि बैनर अंडरस्कोर इमेज कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करके मैनुअल तरीके से एक कॉलम को पास करके हम यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, अपने इस टेबल के स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं, बट मैं यूज करने वाला हूं माइग्रेशन कॉन्सेप्ट। हम अपने उस माइग्रेशन फाइल को अल्टर करेंगे और उसमें एक कॉलम ऐड करेंगे एंड देन उसे रीमाइग्रेट करेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर में, हम जाने वाले हैं ऐप डेटाबेस माइग्रेशंस और ये रही हमारी वो ब्लॉक्स माइग्रेशन क्लास। इस क्लास में जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो मेथड्स हैं दैट इज अप मेथड एंड डाउन मेथड। अप मेथड को यूज करके हमने जो क्रिएट किया था दैट इज टेबल स्ट्रक्चर। इन सभी चीजों के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कशन किया है अपने प्रीवियस वीडियोज में, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, हम इस टेबल में ब्लॉक्स टेबल में एक कॉलम ऐड करने वाले हैं दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। मैं क्या करूंगा, इस कंटेंट के बाद हम एक कॉलम को ऐड करने वाले हैं दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम सेट करेंगे। इसका जो टाइप होगा दैट इज वैरकैर, क्योंकि हम इस कॉलम में जो हम सेव करने वाले हैं दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि जो हम इमेज का पाथ जो गेट करने वाले हैं वो एक पाथ होगी जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है। वैरकैर। अब मैं बात करना हूं कॉन्स्टेंट दैट इज फील्ड लेंथ वैल्यू। मैं पास करने वाला हूं 220, इट मीन 220 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम पास करने वाले हैं नल इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये जो फील्ड हमने जो डिक्लेयर किया है, जो क्रिएट किया है, ये एक ऑप्शनल फील्ड है। सक्सेसफुली हमने कॉलम ऐड कर लिया है। अब इस माइग्रेशन को हमें रीमाइग्रेट करना पड़ेगा और टेबल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनल। मैं टाइप करने वाला हूं PHP Spark, एंटर प्रेस करूंगा। हम देख सकते हैं स्पार्क के सारे कमांड्स। मैं जाने वाला हूं इस डेटाबेस सेक्शन के अंदर, हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है दैट इज माइग्रेट रिफ्रेश। इस कमांड का मींस रोल क्या है, बेसिकली जैसा हम जानते हैं कि अगर हमें माइग्रेट करना हो अपने माइग्रेशन फाइल्स को तो हम यूज करते हैं माइग्रेट कमांड। अगर रोल बैक करना हो, इट मीन्स टेबल्स को ड्रॉप करना हो, तो हम यूज करते हैं माइग्रेट रोल बैक। बट अगर दोनों काम करना हो, इट मीन्स कि हम रोल बैक भी कर पाए और टेबल को माइग्रेट भी कर पाए, तो हम यूज करने वाले हैं माइग्रेट रिफ्रेश कमांड। इस कमांड को हम यूज करने वाले हैं। PHP Spark माइग्रेट और रिफ्रेश। मैं अगर एंटर प्रेस करूं
तो सबसे पहले ये टेबल्स को रोल बैक करेगा, तो हम देख सकते हैं टेबल्स रोल बैक हो चुके हैं और साथ ही साथ इसने वापस से माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद हमारा जो टेबल था जो ड्रॉप हो चुका था इस कमांड के थ्रू, वापस से वो रिक्रिएट हो चुका है। मैं जाऊंगा टेबल में, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर इस ब्लॉक्स वाले टेबल में, तो मैं देख सकता हूँ बैनर अंडरस्कोर इमेज 220 कैरेक्टर्स वेयर कर नल इक्वल्स टू यस, इसका मतलब ये एक ऑप्शनल कॉलम वैल्यू है। सो सक्सेसफुली हमने कॉलम को ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हम जाएंगे एडिटर में, उसके बाद मैं जाऊंगा सबसे पहले मॉडल्स, ब्लॉग मॉडल, और हम सेट करने वाले हैं आफ्टर कंटेंट बैनर अंडरस्कोर इमेज, क्योंकि ब्लॉग के कंटेंट क्रिएट करते वक्त हम इस कॉलम में वैल्यू फिल करने वाले हैं। सो इस कॉलम को इस अलॉट फील्ड्स के अंदर पास करना होगा। सो सक्सेसफुली हमने यहाँ इसे ऐड कर लिया है। नेक्स्ट मैं जाऊँगा एपीआई कंट्रोलर क्लास, सो ऐप कंट्रोलर्स एपीआई कंट्रोलर। सो इस क्लास में जो मैथड के ऊपर हम काम करने वाले हैं दैट इज ऐड ब्लॉग, ये वो मैथड है जिसको हम हिट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप के थ्रू, और अपने एपीआई डेटा के साथ हम ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं। सो फिलहाल ब्लॉग क्रिएट करने के लिए जो हम एपीआई डेटा पास करते हैं दैट इज कैटेगरी आईडी, टाइटल, कंटेंट एंड स्टेटस। सो फिलहाल जो हमने ऐड किया है दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। सो जब भी हम डेटा पास करेंगे अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करने के लिए तो हम इस कॉलम वैल्यू को भी पास करेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर में, सो ऐड ब्लॉग मैथड। सो बात करूं वैलिडेशन रूल्स की, तो ये हमारे कैटेगरी आईडी एंड टाइटल, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है हमारे स्टेबल स्ट्रक्चर में। कैटेगरी आईडी नल इक्वल्स टू नो, इट मींस ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल, नल इक्वल्स टू नो, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड पैरामीटर। बाकी के सारे कॉलम्स में कंटेंट इक्वल टू यस, बैनर इमेज इक्वल टू यस, इसका मतलब ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास दो कॉलम्स है दैट इज आईडी, ये प्राइमरी की है ऑटो इंक्रीमेंटेड, सो इस कॉलम के लिए वैल्यूज नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। और जो लास्ट दैट इज स्टेटस, डिफॉल्ट वैल्यू इक्वल्स टू 1, सो ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे इस टेबल में ऑटोमेटिकली इस कॉलम की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। सो मैं जाऊंगा एडिटर में, सो हमारे पास जो रूल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, कैटेगरी आईडी एंड टाइटल। मैं जाने वाला हूँ इस एल्स ब्लॉक में, इसका मतलब इस ब्लॉक में आने का मतलब है कि हमारे पास कोई वैलिडेशन एरर मैसेज नहीं आई है। सो अब मैं जाऊँगा इस एल्स ब्लॉक में, उसके बाद मैं अगर स्क्रॉल करूँ हम जाने वाले हैं इस इफ ब्लॉक में, यहाँ पर जहाँ पर हमने डेटा को पास किया है सेव करने के लिए। सो उसी डेटा सेट में सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। सो इस कॉलम में सबसे पहले हमें वैल्यू को पास करना होगा, तो वैल्यू हम क्या पास करेंगे अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। सो मैं इसे एम्प्टी छोड़ने वाला हूँ। मैं जाऊँगा थोड़े से ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले जो इमेज हम रिसीव करेंगे अपने फॉर्म डेटा में हम उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो पाथ हम कैट कर पाएंगे उसी पाथ को हम यहाँ इस बैनर इमेज में सेव करेंगे। सो पाथ कैट करने के लिए सबसे पहले अपलोड करना होगा, तो मैं यूज करने वाला हूं मूव मैथड। तो सबसे पहले हम फाइल को गेट करते हैं, सो बैनर इमेज, बैनर इमेज फाइल इक्वल्स टू दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल, और जो हम की यूज करने वाले हैं अपने इमेज अपलोड करने के लिए दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। उसके बाद अगर हमने इमेज अपलोड कर लिया तो सबसे पहले मैं उस फाइल नेम को गेट करूंगा, सो बैनर इमेज नेम इक्वल्स टू बैनर इमेज फाइल, मैं यूज करने वाला हूं गेट नेम मैथड। सो अगर हमने इमेज अपलोड कर लिया, अगर इस इमेज को हम गेट करेंगे अपने इस वेरिएबल में, तो ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट होगा। सो इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम यूज करने वाले हैं गेट नेम मेथड, और अगर हमने ये लाइन ऑफ कोड यूज कर लिया इसका मतलब जो भी इमेज हमने अपलोड किया है उसके नेम को हमने गेट करके हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अपने इस इमेज को हम अपने इस एप्लीकेशन में अपलोड करने वाले हैं। सो मैं यूज करने वाला हूँ मूव मैथड। सो बैनर इमेज फाइल जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं मूव मैथड। अगर हम हिंट सेक्शन देखें तो जो फर्स्ट वैल्यू हमें पास करना है दैट इज टारगेट पाथ, इसका मतलब कि जो हम इमेज को अपलोड करने वाले हैं वो किस फोल्डर के अंदर हम उसे सेव करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं पास करूँ इमेजेस, इसका मतलब जो हम फाइल अपलोड करेंगे हम उसे सेव करने वाले इमेजेस फोल्डर के अंदर।
बट बाई डिफॉल्ट ये मूव मैथड को ये अंडरस्टैंड होता है, ये इसे पता होता है कि अगर हमने ये वैल्यू पास नहीं किया, इट मीन्स जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे यूजिंग दिस मूव मैथड, ऑटोमेटिकली वो पब्लिक फोल्डर के अंदर सेव होगी। सो इमेजेस पास करने का मतलब है कि ये मूव मैथड ऑटोमेटिकली सबसे पहले ये जाएगी हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर चेक करेगी क्या इमेजेस डायरेक्टरी अवेलेबल है। अगर वो एक्सेस नहीं करती है तो सबसे पहले उसे क्रिएट करेगी और उसके बाद उस फोल्डर में इमेजेस को अपलोड करेगी। सो यहाँ पर मैं इस पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर को क्रिएट करने वाला हूँ। सो इमेजेस नेक्स्ट हम पास करेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं हिंट सेक्शन में हमें पास करना है अपने इमेज के नेम को। सो यहाँ पर मैं पास करूँगा बैनर इमेज नेम। सो सक्सेसफुली हमने लाइन ऑफ कोड लिख लिया है, इस कोड के थ्रू अपने इमेज फाइल को हम अपलोड कर रहे हैं पब्लिक इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर। सो अगर सक्सेसफुल तरीके से इमेज अपलोड हो जाएगी तो ये लाइन ऑफ कोड रिटर्न करने वाला ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इन केस अगर कोई भी एरर हमारे पास आती है तो उस केस में जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू होगी दैट इज फॉल्स वैल्यू। सो मैं इसे रैप करने वाला हूँ इफ एल्स ब्लॉक में। सो ये होगा हमारा सक्सेस ब्लॉक, इसका मतलब इमेज अपलोड हो चुका है, अदरवाइज ये होगा हमारा एरर ब्लॉक। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारे कोड्स को जो हमने पिछले वीडियोस में टाइप किया था, जो लिखा था, हम इसे कट करने वाले हैं और इसे हम मूव करेंगे अपने सक्सेस ब्लॉक में, दैट इज इफ ब्लॉक। उसके बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा इस एल्स ब्लॉक में, इसका मतलब इमेज अपलोड नहीं हुई है, हमारे पास कोई एरर है। सो इस रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स और यहां पर मैं कहूंगा फेल्ड टू अपलोड एन इमेज। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब सक्सेसफुल तरीके से हमने इमेज अपलोड कर लिया है। अगर मैं कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लूं, अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद अब जो ये हमारा कॉलम था बैनर अंडरस्कोर इमेज, हमें इसके अंदर वैल्यू पास करनी है। सो बैनर इमेज, इसका मतलब इमेज को हमने कहाँ अपलोड किया है, इमेज को अपलोड किया है हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर जो कि पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है। सो इमेजेस फोल्डर और जो फाइल नेम है दैट इज बैनर इमेज नेम, मैं इसे कॉपी करूंगा और इसे पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली हमने सारा कोड बिल्कुल प्रिपेयर कर चुका है और हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर में एक और पैरामीटर हम सेंड करेंगे दैट इज बैनर अंडरस्कोर इमेज। सो मैं ओपन करने वाला हूँ पोस्टमैन। सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करेंगे। सो पीएचपी स्पार्क सर्व हमने स्टार्ट कर लिया है। मैं इस प्रोजेक्ट URL को कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक पोस्टमैन, मैं यहाँ इसे पेस्ट करने वाला हूँ और जो एडब्लॉक API मेथड है हम उसे हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो मैं पास करने वाला /API add-blog। नेक्स्ट हम जाएंगे इस ऑथ टाइप में और हम सेलेक्ट करने वाले हैं टाइप इक्वल्स टू बेसिक ऑथ। बेसिक ऑथ सेलेक्ट करने के बाद हमें जो पास करना है दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं क्लिक करूंगा अपडेट रिक्वेस्ट, हमारे हेडर्स में एक ऑथराइजेशन हेडर ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हम जाएंगे इस बॉडी फॉर्म डेटा और यहाँ पर पास करेंगे अपने API फॉर्म डेटा पैरामीटर्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू हम पास करेंगे दैट इज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है दैट इज कैटेगरी ID। सो कैटेगरी ID पास करने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने टेबल स्ट्रक्चर में कॉल्ड कैटेगरीज, मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। हम ब्लॉक्स टेबल भी ओपन कर लेते हैं। सो हमारे कैटेगरीज टेबल में अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक इंसर्ट करने वाला हूँ। सो मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट और यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मैं पास करने वाला हूँ सो कैटेगरी नेम इक्वल्स टू मोबाइल्स, क्लिक ऑन गो बटन। सो एक कैटेगरी सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। अगर आप कैटेगरी क्रिएट करने के लिए अगर API यूज करना चाहते हो तो हमने API भी क्रिएट किया अपने पिछले वीडियो में दैट इज क्रिएट कैटेगरी API। सो इस API को यूज करके भी आप कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने यूज किया है PHP माई एडमिन के इंसर्ट टैब को। मैं जाने वाला हूँ अपने ब्लॉक्स टेबल में। सो इस ब्लॉक्स टेबल में हमारे पास कोई ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। सो हम इस ब्लॉक्स टेबल में एक न्यू ब्लॉक को इंसर्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी ID इक्वल्स टू 1, मैं इसे पास करने वाला हूँ। सो कैटेगरी ID इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमें पास करना है रिक्वायर्ड पैरामीटर दैट इज टाइटल। सो अगर मैं कहूँ ब्लॉग 1, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज कंटेंट। सो सैंपल ब्लॉग कंटेंट,
वन। नेक्स्ट हम पास करने वाले स्टेटस, अगर मैं इसे पास न करूं तो ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज वन विल बी पिक्ड, तो मैं इसे पास नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है बैनर अंडरस्कोर इमेज, सो मैं सेलेक्ट करने वाला हूं टेक्स्ट के बजाय फाइल, क्योंकि हम एक इमेज फाइल को अपलोड करने वाले हैं। मैं क्लिक करूंगा चूज फाइल, सो हम एक फाइल को सेलेक्ट करने वाले अपने लोकल सिस्टम से। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा, सो यहां पर सारे पैरामीटर्स को हमने सेट कर लिया है। साथ ही साथ अगर मैं जाऊं एडिटर में, यहां पर हमने स्टेटस वैल्यू को भी रीड किया है, सो अगर हम उसे पास नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे कमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम एक स्टेटस कॉलम भी पास कर लेते हैं, दैट इज स्टेटस इक्वल्स टू वन। सो सक्सेसफुली हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है। सो फॉर द टाइम बिंग अगर मैं पास करूँ कैटेगरी आई डी इक्वल्स टू 100 जो कि एक्सिस्ट नहीं करती है, क्लिक ऑन सेंड बटन, सो नो कैटेगरी फाउंड ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एक ही कैटेगरी है, तो मैं इसे रिमूव करूंगा, क्लिक ऑन सेंड बटन, ब्लॉक क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो अगर मैं जाऊँ एप्लीकेशन में, सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं क्या हमारा वो बैनर इमेज अपलोड हुआ है कि नहीं। मैं जाऊंगा पब्लिक, हम देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज डायरेक्टरी अवेलेबल है और इसके अंदर हमारे पास एक इमेज फाइल अपलोडेड है। अगर इसी इमेज के पास को अगर हम चेक करें अपने टेबल में, सो ब्लॉक्स वाले टेबल में जहाँ पर कोई डेटा नहीं है, मैं क्लिक करने वाला रीलोड, सो यहाँ पर सारे डेटा के साथ हमारा वो बैनर इमेज भी अपलोड हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइज, ये एक एडिशनल लेक्चर था जिस वीडियो के हेल्प से हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जिसके थ्रू हम अपने API डेटा में किसी भी इमेज फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था और इस वीडियो से काफी कुछ आपने सीखा होगा। सो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।